प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम टर्म टू की प्रिपरेशन में एक चैप्टर कर रहे हैं, दैट इज शुड विजर्ड हिट द मून। ये चैप्टर ही एक क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क क्यों है, जब हम इस चैप्टर की समरी जानेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि इस चैप्टर में क्या डिस्कशन चल रही है बिटवीन अ फादर एंड अ डॉटर। मतलब उनके जो व्यू पॉइंट है वो किस तरीके से डिफरेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न अबाउट द ऑथर। ऑथर में क्या है, अबाउट द ऑथर जॉन हॉयर अपडाइक वॉज एन अमेरिकन नॉवलिस्ट, पोएट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, आर्ट क्रिटिक एंड लिटरेरी क्रिटिक। वन ऑफ द ओनली थ्री राइटर्स टू विन पुलिट्जर प्राइज फॉर फिक्शन मोर देन वंस। अपडाइक पब्लिश्ड मोर देन 20 नॉवेल्स, मोर देन अ डजन शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस, एज वेल एज पोएट्री, आर्ट एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड चिल्ड्रंस बुक ड्यूरिंग हिज करियर। तो ये थोड़ा सा ऑथर के बारे में है, ये आप याद कर लीजिए इनका नाम, जॉन हॉयर अपडाइक। नाउ समरी इन डिटेल्स। समरी हम जल्दी से कर लेते हैं, इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, देन विल डू द लॉन्ग क्वेश्चंस आल्सो। समरी इन डिटेल्स। द स्टोरी बिगिंस बाय टेलिंग अस अबाउट जैक। यहाँ पे जो कैरेक्टर है जैक हैज टू लिटिल किड्स, ही इज अ फादर, और उसके कितने बच्चे हैं, दो बच्चे हैं। द किड्स आर जो एंड बॉबी। जोज वाइफ क्लेरे वॉज प्रेगनेंट विद देयर थर्ड वन। दो बच्चे पहले से हैं एंड हिज वाइफ क्लेरे She was pregnant with third one. तीसरा उनका बेबी होने वाला था। Thus, to put her daughter to bed, Jack would make up stories for her daughter. अपने बच्ची को सुलाने के लिए हमेशा स्टोरी सुनाया करते थे वो। This story telling tradition started when Joe was two and thus continue ever since. Jack makes sure that he tells a different story every time. However, a small creature was always common, Roger. हर बार वो कोशिश करता था पिता की डिफरेंट स्टोरी बताया जाए बच्चों को, लेकिन जो एक क्रिएचर था, मतलब जो मुख्य पात्र था, उसका नाम हमेशा ही रोजर रहता था। कभी रोजर फिश हो जाता था, कभी रोजर स्कंक हो जाता था, कभी रोजर चिंकू हो जाता था। इस तरीके से वो मतलब करेक्टर वही रहता था, नाम वही रहता था, करेक्टर चेंज करके अलग अलग स्टोरी बताया करता था। सबसे इस स्टोरी में क्या है, रोजर स्कंक है। ये क्या होते हैं, स्कंक्स आर द मैमल इन द फैमिली मैपेटिड। दे आर नोन फॉर देयर एबिलिटी टू स्प्रे अ लिक्विड विद अ स्ट्रॉन्ग अनप्लीजेंट सेंट फ्रॉम देयर एनल ग्लैंड्स। ये देख लीजिए फिगर में, देख लीजिए स्कंक क्या होते हैं, इस प्रकार के जानवर होते हैं और उनके जो एनल ग्लैंड्स होते हैं उसमें से एक लिक्विड स्प्रे करते हैं, स्मेल आती है, दैट इज वेरी अनप्लीजेंट, बैड स्मेल होती है। मतलब अच्छी गंध नहीं होती, दुर्गंध होती है। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ स्कंक वरी इन अपीयरेंस फ्रॉम ब्लैक एंड व्हाइट टू ब्राउन। मोस्टली क्या होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं और कई कई ब्राउन और क्रीम इन कलर और जिंजर कलर के भी होते हैं, बट ऑल हैव वार्मिंग कलरेशन। लेकिन सबके जो कलर होते हैं डेट इज वेरी वार्मिंग, काफी मतलब अट्रैक्टिव होता है और यू कैन से स्ट्रॉन्ग कलर होता है। फॉर इंस्टेंट इट वॉज ईदर रोजर फिश और रोजर चिमकुंग। Roger goes to the wise old owl with problems that would send him to the wizard. अगर उनको कोई दिक्कत होती थी स्टोरी के अकॉर्डिंग तो वो कहाँ जाते थे, they used to go wise old owl अपनी प्रॉब्लम के साथ, और वो आउल किसके पास भेजता था, विजर्ड के पास, जादूगर के पास। Thus, the wizard spell भी होता है जादू, would solve the problem after payment of pennies। और वो जादू उनसे पैसे लेकर उनकी सारी समस्याओं को सोल्व कर लेता था, कर देता था। Now that Jo is growing up, it is getting difficult to put her to bed for a nap time in the afternoons. Thus, one day Jack decides to tell her a story about Roger Skunk. अब एक दिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी सोने की आदत थोड़ी कम हो जाती है, तो उसका पिता एक दिन स्टोरी बता रहा था, and he was telling the story about Roger Skunk. In this story, there is a little skunk that is always smelled very well. जो स्कंक होते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि उनकी जो स्मेल होती है दैट वाज नॉट वेरी प्लीजेंट, बैड स्मेल होती थी। इट इज सो बैड दैट नो एनिमल्स प्ले विद हिम एंड इज ऑलवेज अलोन। इतनी बैड होती थी, कोई भी एनिमल उनके साथ खेलना नहीं चाह रहा था।
एंड ही यूज टू लिव अलोन, अकेला ही रह जाता था बेचारा। दस, रोजर्स कंग डिसाइडेड टू गो वाइज आउल, रोजर्स कंग ने क्या डिसाइड किया कि भाई आउल के पास जाए, वो बताएगा कि जादूगर के पास जाना है। एज यूजुअल द आउल सेंड्स हिम टू द विजर्ड, और जैसे आउल उसको कहाँ भेजता था, जादूगर के पास। द विजर्ड विद हिज स्पेल्स आस्क्ड रोजर्स कंग अबाउट हिज विश, अपनी जादू की छड़ी उठाई और उसने बोला कि क्या चाह रहे हो तुम। ही एक्सप्रेसेस हिज विशेस टू स्मेल लाइक रोजेस टू विच द विजर्ड एग्रीज, वो कहता है कि मुझे जैसे रोज की स्मेल आती है, गुलाब के फूल की खुशबू आती है, मेक मी लाइक दैट। आफ्टर दैट ऑल द एनिमल्स स्टार्ट प्लेइंग विद स्कंक एंड ही प्लेज टिल इट गेट्स डार्क। फाइनली रोजर स्कंक गोज टू होम टू हिज मॉमी, जो थिंक्स द स्टोरी इज ओवर एंड व्हेन जैक कंटिन्यूज, तो वो मतलब उसकी स्मेल चेंज कर देता है और जो बच्ची होती है वो सोचती है कि अब स्टोरी तो समाप्त होगी क्योंकि पहले ही वो स्मेलिंग बैड, अब उसकी स्मेल कैसी आने लगी अच्छी, अब स्टोरी होगी समाप्त। लेकिन जैक तो कंटिन्यू करता है, उसका पिता स्टोरी को कंटिन्यू रखता है। आफ्टर रीचिंग होम द मम्मीज नोटिस द अवफुल स्मेल एंड आस्क रोजर हु डिड दिस, घर पे जाने के बाद उसकी मम्मी पूछती है अरे तू इस प्रकार से स्मेल कैसे करने लग गया एंड ये किसने किया तुम्हारे साथ। रोजर स्कंक टेल्स दैट हर ही डिड नॉट लाइक दैट वे ही स्मेल, सो ही आस्क्ड द विजर टू हेल्प हिम स्मेल लाइक रोजेज, वो जिस प्रकार से उसमें स्मेल आती थी वो उसको पसंद नहीं था, बिकॉज नो बडी वॉज प्लेइंग विद हिम। सो वो जादूगर के पास गया और बोला कि भाई मेरे को गुलाब जैसी खुशबू आती है वैसा स्मेल कर दो। दिस इन्फ्यूरिएट्स द मदर एंड टेल्स हिम टू एक्सेप्ट हिमसेल्फ फॉर व्हाट ही इज, ये मम्मी को अच्छा नहीं लगता, वो गुस्सा करती हैं और कहती हैं कि जैसे तुम हो, जिस प्रकार की स्मेल तुम में से आती है, मेक श्योर तुम अपनी ओरिजिनैलिटी मेंटेन करके रखो। शी गोज टू द विजर्ड ऑल एंग्री एंड आस्क हिम टू रिटर्न द स्मेल स्मेल आफ्टर हिटिंग हिम, उसको छतरी से मारती और कहती है कि जल्दी से इसकी जो स्मेल थी, ओरिजिनल स्मेल थी, उसमें इसको लाओ। दस द विजर्ड रिवर्स हिज स्पेल एंड रोजर स्कंक इज टू बैक टू स्मेलिंग लाइक ही डिड बिफोर, जादूगर बेचारा डर जाता है और उसकी वही वाली स्मेल जो पहले स्कंक की स्मेल होती है उसी में ला देता है। हाउएवर द न्यू एंडिंग डज नॉट प्लीज जो, अब जो जो था बच्चा, भाई बच्चे तो अपने हिसाब से सोचते हैं, बोलते हैं भला अच्छा तो उसकी स्मेल चेंज हो गई थी, ही वॉज नाउ स्मेलिंग लाइक रोज, और मम्मी फिर से उसकी स्मेल बकवास, जो बुरी स्मेल होती थी, गंदी स्मेल, वैसे करवा दी। शी आस्क्स जैक टू चेंज इट टू द विजर्ड हिटिंग द मम्मी बैग, वो कहता है कि लास्ट में जो मम्मी विजर्ड जादूगर को मारती है, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, जादूगर भी मम्मी को मारे, क्यों, क्योंकि उसने स्मेल चेंज करवा दी बच्चे की बेचारे की। जैक डिड नॉट लाइक दिस प्रोटेस्ट एंड जो कैप्ट इंसिस्टिंग टू चेंज द एंडिंग टुमारो व्हेन ही कम्स विद अनदर स्टोरी, ये अच्छा नहीं लगता जो को, लेकिन जैक कहता है कि भाई नहीं नहीं चेंज नहीं होगा, और जो कहता है नहीं चेंज करो ऐसे कैसे चलेगा। शी डज नॉट लिसन एंड फॉलोज जैक बैक डाउनस्टेयर बट नाउ जैक इज इन्फ्यूरिएट्स, वो उसको सुनती नहीं है, अपने पिता की बात को नहीं सुनती, वो एक ही जिद लगा रखी है कि स्टोरी चेंज करो कि जो विजर्ड है वो भी मम्मी को मारे। एंड इस प्रकार से जैक बेचारा नाराज होता है, ही कम्स टू डाउनस्टेयर्स एंड थ्रेटन्स टू गिव हर अ बीटिंग, और कहता है कि अगर अब तूने बोला कि स्टोरी के एंडिंग को चेंज करो तो पिटाई कर दूंगा तेरी। शी गोज बैक टू डिसपॉइंटेड एंड जैक सिट्स विद हिज वाइफ विद इन अ क्वांड्री, बेचारा नीचे आ जाता है जहाँ उसकी वाइफ काम कर रही होती, शी वॉज प्रेगनेंट, और एक असमंजस की स्थिति में पॉन्डिंग सोचनीय स्थिति में बैठ जाता है कि बच्ची अब क्या कह रही है। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, क्या है इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। द स्टोरी रेजेज अ मोरल इशू, शुड पेरेंट्स ऑलवेज डिसाइड व्हाट द चिल्ड्रन शुड डू और लेट द चिल्ड्रन डू व्हाट दे लाइक टू डू, कह रहा है कि भाई आजकल की जो जनरेशन है, देयर इज अ जनरेशन गैप, तो क्या पेरेंट्स को ही हमेशा डिसाइड करना था, मतलब पेरेंट्स ही हमेशा सही होते हैं क्या, या बच्चों को वो करने देना चाहिए जो बच्चे पसंद करते हैं। देयर इज एन एविडेंट कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द अडल्ट्स पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ एंड द वर्ल्ड व्यू ऑफ अ लिटिल चाइल्ड, ये दिखा रहा है कि किस प्रकार से जो एडल्ट होते हैं हाउ दे थिंक एंड जो बच्चे होते हैं हाउ दे थिंक, तो देयर इज अ यू कैन से कॉन्ट्रास्ट है, उनके जो विचार है मतभेद खा रहे हैं, तो यही स्टोरी में बताया गया। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है ये स्टोरी जो समरी है समझ में आ गई होगी, प्लीज समरी सीख लीजिए, समझ लीजिए और मोटा मोटी इसको याद भी कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, सो डैट
इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आए यू विल बी एबल टू आंसर. नाउ नेक्स्ट वीडियोज में हम करेंगे शॉर्ट आंसर्स. टिल देन टेक केयर.